दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है काफी रैंडम एंड बजट फ्रेंडली। अगर आपके पास कोई भी फोर व्हीलर है तो आपके लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट हो जाता है एक मोबाइल होल्डर का। ये EVL कंपनी का एक मोबाइल होल्डर मैंने ऑर्डर किया है। मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से दूसरे गाड़ी में इसे यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। ये विद इन 500 रेंज में अमेजोन में आसानी से आपको मिल जाता है, तो आई प्रेफर कि आप इसी टाइप का जो मोबाइल होल्डर्स है वो बाय कर सको, तो उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हो। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि इसका सेटअप कैसे करना है, चाहे आप डैशबोर्ड में सेट करो या फिर विंडशील्ड में। सो गाइस, ओपन करते हैं इस पैकेट को। ELB कंपनी का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को मिल जाता है एक मैनुअल, तो आप इसे साइड कर सकते हैं क्योंकि मैं पूरा सेटिंग इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड एक पैकेज, कुछ ज़्यादा पैकेजिंग है नहीं, तो इसके अंदर मिल जाता है आप लोगों को दो पार्ट। दो पार्ट में इस पार्ट का जो सेटिंग है, पहले आप लोगों को ये जो पार्ट है, जो मोबाइल होल्डर है उसका ये वाला पार्ट, यहाँ पे एक नॉब देख सकते हो, इसे खोल देना है। एंड खोलने के बाद ये जो सेकेंड वाला पार्ट है उसे यहाँ पे पुश करना है। एंड पुश करने से पहले आप इसे यहाँ पे ज़रूर ऐड कर दे। ऐड करने के बाद आपको एक क्लिक का साउंड मिलेगा एंड देन इसे टाइट कर देना है। अपने हिसाब से आप टाइट कर सकते हो ताकि ये 360 डिग्री मूवमेंट कर सके। एंड आफ्टर दैट आप इसे कोई भी सरफेस में प्लेस कर सकते हो, चाहे विंडशील्ड में सेट कर सकते हो या फिर डैशबोर्ड में। एंड यहाँ का जो प्लास्टिक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत गम लगा हुआ है, एज वेल एज ये जो एयर टाइट सरफेस है, ये एयर टाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड लॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप एक नॉब देख सकते हो, ये जो नॉब है, इस नॉब को आपको लूज़ करने से इसको आप मूवमेंट कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये 180 डिग्री मूव कर सकता है, नहीं 180 नहीं 270 डिग्री, हालांकि इतना पीछे तो करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप अपने हिसाब से कंफर्टेबली इसे यूज़ कर सकते हो एंड टाइट कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी आप एक नॉब देख सकते हो, तो ये जो नॉब है इसे लूज़ करने से आपको जो इसका सामने एंड पीछे का मूवमेंट आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप एक लॉक देख सकते हो, ये जो लॉक है, ये लॉक को आपको जस्ट कोई भी सरफेस में प्लेस करने के बाद इसे लॉक कर देना है, एंड ताकि ये एयर टाइट हो जाएगा एंड कोई पॉट होल पे मोबाइल गिरने का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप दो नॉच देख सकते हो, ये बताने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे इन दोनों नॉब को ऐसे करके अनलॉक करके रखो। एंड आफ्टर दैट कोई भी हैंडसेट को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो एंड प्लेस करने के बाद इसे जस्ट प्रेस करना है एंड ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। एंड लॉक होने के बाद आप इसे कोई भी एंगल में, कोई भी 360 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री है, कोई भी एंगल में आप इसे प्लेस कर सकते हो, मैप का मज़ा ले सकते हो, म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हो, एज वेल एज आप चार्ज भी कर सकते हो। तो इसमें जो चार्जिंग पोर्ट रहेगा जनरली हर मोबाइल पे नीचे ही रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये जो पिन है ये थोड़ा सा साइड किया हुआ है। दोस्तों इस टाइप का जो क्लिप होल्डर टाइप का मोबाइल होल्डर आता है वो आप बाय ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि प्राइस रेंज इस दोनों का अगर कंपेयर करो, प्राइस रेंज एक ही प्राइस पॉइंट में, तो आप बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एंड कुछ दिन बाद यूज़ करने से, ज़्यादा पॉट होल या फिर जर्किन होने से, ये जो नीचे का ये है ये इसका टूट गया, तो क्योंकि प्राइस पॉइंट एक ही है तो मैं प्रेफर करता हूँ इस टाइप का जो होल्डर है, मोबाइल होल्डर, वही आप बाय करो। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।